हेलो एवरीवन, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं आपके सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आपके 2020 क्वेश्चन पेपर 2020 जो है अपन उसका क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज अपन एक उसका क्वेश्चन लिया है जिसका अपन बात करें। एक तो है बंदी अणुकक्षक और विपरीत बंदी जो अणुकक्षक हैं बॉन्डेड और आपके एंटी बॉन्डिंग वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उनमें मुख्य अंतर क्या होता है, इसमें अपन दोनों के अंदर अंतर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन फर्स्ट जो यहाँ पर डिस्कस करें कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि बंदी आणविक कक्षक, यहाँ पर क्या बताया गया है कि सिग्मा हो या पाई बंदी कक्षक, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों परमाणु कक्षक हैं वो क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और आकर्षित करने के फलस्वरूप इसके द्वारा क्या किया जाएगा, आपके बॉन्डेड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना है सिग्मा और पाई, यहाँ इनके बॉन्डेड ऑर्बिटल, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या भाई सिग्मा सिग्मा और पाई पाई दोनों बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल होंगे ऑर्बिटल होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, या फिर कह देंगे एक दूसरे में क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, जिससे आपका BMO बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया जाता है। इसी तरह से बात करें विपरीत बंदी वाले में, तो विपरीत बंदी वाले कक्षकों में क्या बताया गया कि सामान्यतः यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग व पाई एंटी बॉन्डिंग इनकी आपकी विपरीत बंदी अणुकक्षक, विपरीत बंदी जो अणुकक्षक होंगे वो एक दूसरे को या तो आपको प्रतिकर्षित करते हों या फिर यूँ कह दें कि एक दूसरे के अंतर के कारण यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर विपरीत बंधी अणुकक्षकों का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर आपके देखिए इसके जस्ट विपरीत है ये गुण, तो यहाँ पर या तो एक दूसरे को क्या करते हों, प्रतिकर्षित करते हों, यानी रिपल्शन करते हों, या फिर यहाँ पर इनके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको कि ये एक दूसरे को जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, या फिर अपन कह दें कि इनके अंतर कि एक दूसरे से घटाकर क्या करेंगे, इनके ऑर्बिटल हैं वो फॉर्म होंगे। तो ये आपके विपरीत बंदी अणुकक्षक हैं कि सारे अणुकक्षक एक दूसरे के क्या है, सामने आ जाते हैं, जिससे इनमें प्रतिकर्षण होता है या फिर इनमें अंतर की वजह से आपको क्या करें, यहाँ पर आपका विपरीत बंदी अणुकक्षक फॉर्म होता है। यहाँ पर बात करें तो दोनों जो चार्ज हैं वो एक जैसे होंगे, वहाँ पर प्लस माइनस मतलब दोनों के अंतर। साथ में बात करें कि यहाँ पर बात करें कि आपका जो ये बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है बंदी अणुकक्षक, जब इसका निर्माण होता है तो सामान्यतः इसमें भागने ले वाले जो कक्षक होंगे, ठीक है, इन कक्षकों की तुलना में ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। क्या होती है कि भाई आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूल जिससे बन रहा है, ठीक है, कि भाई इनके द्वारा बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल आपका बन रहा है सामान्यतः आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके एटॉमिक ऑर्बिटल जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, उनकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा में अंतर पाया जाता है। मतलब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है उसकी तुलना में बॉन्डेड जो मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है इसकी ऊर्जा कम देखने को मिलती है। यहीं पर बात करें कि इसके लिए एंटी बॉन्डिंग वाले के लिए, तो यहाँ पर क्या बताया, विपरीत बंदी जो कक्षक हैं वो आपस में जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर इनसे या तो उतनी मात्रा मतलब इनके लगभग समान ऊर्जा
या फिर कह दें इनसे जो अधिक ऊर्जा आपके हैं कक्षक, इनका क्या किया जाता है, विपरीत बंधी कक्षकों का निर्माण किया, यानी यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा है वो क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर इन कक्षकों में ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा इनकी तुलना में कम होगी। जो परमाणविक कक्षक है उनकी ऊर्जा आपको यहाँ पर कम देखने को मिलती है, जबकि यहाँ पर परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा है और जो आपका बंधी अणु कक्षक बना है उसकी ऊर्जा कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः जो आपके बंधी अणु कक्षक हैं, बंधी अणु कक्षकों में जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, कि आपके जो BMO हैं, बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अधिक पाई जाती है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका निश्चित रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि आपका ये बॉन्डेड मॉलिक्यूल तभी फॉर्म होगा जब इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, एक दूसरे के साथ बंध का निर्माण करेंगे और बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। इधर देखिए नेक्स्ट बात करें किसके लिए, विपरीत बंदी। तो यहाँ पर देखिए विपरीत बंदी वालों के लिए क्या बताया गया है कि सामान्यतः विपरीत बंदी अणु कक्षकों में जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसके पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, शून्य होगी, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपका नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता शून्य हो जाती है। साथ में क्या बात बताई गई है कि यहाँ पर ये हैं सामान्यतः उच्च ऊर्जा के कक्षक होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से निम्न ऊर्जा कक्ष में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन की शून्य अवस्था आपको इसमें देखने को मिलती है। सिर्फ और सिर्फ इनमें इलेक्ट्रॉन तभी पाया जा सकता है जब किसी निम्न ऊर्जा के कक्ष को आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊर्जा देंगे, तो एक्साइटेशन के फलस्वरूप उच्च ऊर्जा कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। फिर बात करें कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो आपके अणु कक्षक आपके होते हैं, इन अणु कक्षकों में जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उनकी जो नाभिक है, यानी आपके जो यहाँ पर जो दो एटम भाग लेंगे उन दोनों की जो नाभिक है वो एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करती है, ठीक है, और आकर्षित करने की वजह से क्या होती हैं कि यहाँ पर इनके मध्य क्या होता है, बंध निर्माण होता है, और बंध निर्माण के फलस्वरूप यहाँ पर इसकी जो ऊर्जा है बंध की वो भी क्या देखने को मिलती है कि बंध की ऊर्जा भी क्या होती है आपकी, कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो यौगिक होगा वो स्थायित्व की अवस्था वाला होगा, कि यहाँ पर जो बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है सामान्यतः बहुत ज़्यादा स्थायित्व वाला होता है। इसमें मुख्य स्थायित्व का कारण क्या है कि दोनों नाभिक हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और आकर्षित करने के फलस्वरूप इनमें बंध का निर्माण होता है और बंध के निर्माण के फलस्वरूप इनकी ओवरऑल ऊर्जा कम हो जाती है, जो अपन ने यहाँ पर पहले बात की थी, जिसकी वजह से क्या है इनका जो स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो स्थायित्व बढ़ गया तो अपन यह कह सकते हैं कि जो आपका बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ये आपका स्टेबल कह दें या स्थायित्व वाला होता है, जबकि यहाँ पर अपन बात करें कि दोनों नाभिक हैं इसमें बात करें तो यहाँ पर आपका जो मॉलिक्यूल है उसमें आपके जो दोनों नाभिक हैं वो एक दूसरे की विपरीत अवस्था में होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि दोनों नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे क्या है कि यहाँ की जो ओवरऑल ऊर्जा है वो भी क्या है यहाँ पर अधिक प्राप्त होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि इन कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, तो ओवरऑल ऊर्जा भी क्या होगी यहाँ पर अधिक प्राप्त होगी, मतलब ज़्यादा मात्रा की ऊर्जा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब जैसे ही इनमें ऊर्जा की मात्रा है अधिक होगी, तो यहाँ पर जो आपके बात करें अस्थायित्व की अवस्था बन जाती है, कि यहाँ पर स्थायित्व है वो क्या होता है, कम होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों नाभिक एक दूसरे की विपरीत अवस्था में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षण की वजह से यहाँ पर किसी प्रकार का बंद निर्माण नहीं किया जाएगा, यहाँ पर किसी तरह का बंद है वो नहीं बनाया जाएगा, और बंद नहीं होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या है कि योगी का स्थायित्व जो आपके योगिक बनाएंगे या विपरीत बंदी वाले जो ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, कम स्थायित्व वाले होंगे। तो यहाँ पर यहाँ ये देखने को पाँचवीं इसमें बात करें कि आपका जो एंटीबॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है सामान्यतः कैसा होता है, जैसे ये स्थायित्व वाला है तो ये कैसे होंगे आपके अनस्टेबल होंगे, कि इनमें किसी तरह का स्थायित्व है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था एक क्वेश्चन आपके बीएमओ बंदी अणुकक्षक और विपरीत बंदी अणुकक्षक, जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि सबसे पहले कि भाई इनमें किसके द्वारा निर्माण होता है, तो सिग्मा एंड आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड जो ऑर्बिट आपके ऑर्बिटल होंगे तो इनके द्वारा क्या किया जाएगा, या तो एक दूसरे को सही आकर्षित करेंगे या एक दूसरे के साथ एडिशन करेंगे, योग करेंगे, तो इसके द्वारा आपका बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। जनरली यहाँ पर इस चार्ज के द्वारा यानी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इनको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर इसके लिए बात करें कि यहाँ पर आपका जैसे ही बॉन्डेड आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है, यहाँ पर इसमें तुलनात्मक रूप से जो ऊर्जा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर बात करें कि आपका जो बीएमओ होगा बॉन्डेड मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होगी, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो साई स्क्वायर का मान है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निश्चित रूप से पाया जाएगा। इसके अलावा बात करें कि यहाँ पर अपन ने देखा कि दोनों नाभिक हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और आकर्षण के फलस्वरूप यहाँ पर इनमें बंद का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः ये जो बंद की ऊर्जा है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में कम होगी, तो इससे क्या देखने को मिलेगा कि इसमें स्थायित्व की अवस्था बनाई जाती है, कि यहाँ पर स्थायी यौगिक बनाए जाएंगे इनके द्वारा। फिर बात करें कि यहाँ पर जो बीएमओ ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके स्थायित्व वाले होते हैं, जबकि मतलब ये स्थायित्व को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर बात करें विपरीत बंदी में, तो इनका जो निर्माण है सिग्मा एंटीबॉन्डिंग या पाई एंटीबॉन्डिंग जो आपके आणविक आपके कक्षक हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके प्रतिकर्षण या उनके अंतर के फलस्वरूप इनका निर्माण होता है। फिर बात करें कि इनमें ऊर्जा की मात्रा है सामान्यतः उच्च ऊर्जा आपके एटॉमिक ऑर्बिटल की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। फिर बात करें कि भाई इनमें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रायिकता है सामान्यतः इनमें क्या देखने को मिलेगी, शून्य प्रायिकता है वो इसमें पाएगी, कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनुपस्थित होगा। कुछ ही कंडीशन में यानी एक्साइटेड स्टेट के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा कक्षकों में हो सकता है, बाकी इसके अलावा इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसके बाद बात करें कि यहाँ पर जो दोनों नाभिक हैं, तो दोनों नाभिक एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत अवस्था में होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने की वजह से यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ बंद का निर्माण नहीं होता, मतलब इनमें बंद नहीं बनेगा, तो इससे इनकी ऊर्जा अधिक होगी और इसमें अस्थायित्व की अवस्था आ जाती है, और जिससे बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो है वो नहीं बनते हैं। और
इनमें बात करें तो जो आपका एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंदी वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसके लिए हमेशा याद रखना है कि ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सामान्यतः किसी भी अगर यौगिक की बात करें तो उस यौगिक में ये तो क्या है, स्थायित्व को बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, चाहे वो सिग्मा हो और चाहे वो आपका पाई हो, उसमें जब इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेंगे, जुड़ने के फलस्वरूप यौगिक का स्थायित्व बढ़ेगा, यानी यौगिक स्थायित्व वाला होगा। जबकि अगर इसमें अगर आपके इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि तुलनात्मक रूप से आपका जो ओवरऑल स्थायित्व है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ये स्थायित्व को जो है घटाने का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, ये स्थायित्व को बढ़ाता है। तो ये इसमें कुछ खास अंतर थे जो अपन ने इसमें आज बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिस्कस किया। इसके अलावा देखिए, अपन बात करें, आपका एक क्वेश्चन और है, अपन इसमें और डिस्कस करेंगे। एक इजीली क्वेश्चन है, मैंने आपको जो है प्रीवियस क्लास जो अपने ऑफलाइन हो रही थी उसमें भी डिस्कस किया था। अब इसमें एक तो ये तो मुख्य अंतर हो गया इसके अंदर। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो बहुत बार पूछा गया है। जनरली एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें वो लगभग आपका एक एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके तय होता है। देखिए, क्वेश्चन है आपके श्रोडिंगर इक्वेशन लिखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, श्रोडिंगर इक्वेशन की अपन यहाँ पर बात करें, श्रोडिंगर हो सकता है श्रोडिंगर समीकरण। देखिए, बहुत रेयर होता है, अगर ये बड़े क्वेश्चन के रूप में आता है तब तो इसमें आपको एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा। हालांकि बहुत कम होता है ऐसा कि आपके श्रोडिंगर इक्वेशन को व्युत्पन्न करना पूछा जाए। इसमें सिर्फ इतना ही आता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अपन एक नंबर के क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है। एक इजीली फॉर्मेट आपको याद रखना है कि पहले तो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो थ्री डायमेंशन रूप से आपकी क्या होती है, व्यवस्थित होती है। हालांकि अगर एग्ज़ाम की बात करें तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, खासकर वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन जो आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसके अलावा पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करें कि श्रोडिंगर की तरंग समीकरण लिखिए। किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, तरंग समीकरण। तो यहाँ पर देखिए, श्रोडिंगर की तरंग समीकरण तो अभी बताया है थ्री डायमेंशन रूप से होती है, डी एक्स स्क्वायर या डेल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, प्लस डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस। अब देखिए, यहाँ तक तो आपका एक्सप्लेनेशन इजीली है, कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है भी नहीं कि अपन इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये बहुत इजी है। इसके बाद जो आपका 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 सिस्टम लिखते हैं, ये होता है 4π² m। यहाँ पर बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि अपन ने आपके बोर मॉडल पढ़ रखे हैं। बोर मॉडल के अंदर जो ऊर्जाओं के मान हैं वो बहुत सारे दे रखे हैं, तो वहाँ से आपका ये जो कंसेप्ट है इसमें इससे रिलेटेड एक थोड़ी बहुत मिस आपके हो जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हो गया डी आपके डी एक्स स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस 8π² m अपॉन आपके क्या लिखेंगे, एन आपका एच का स्क्वायर। हालांकि यहाँ पर अगर एन एच स्क्वायर लिखा होता तब भी ये ठीक था, लेकिन यहाँ पर एच स्क्वायर है वो लिखा जाता है, और ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपके इसमें श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण है वो इसमें कहलाती है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये आपके जो है आपके
जो आपका 20 का जो पेपर था उसके अपने आज दो क्वेश्चन हैं वो आपने डिस्कस किए, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड वाला उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो आपके नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो देखने लिए धन्यवाद।